नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अनन्या बेदी। हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपके लिए प्रदेश की विधानसभा सीट और वहां के विधायक के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे सूरतगढ़ विधानसभा सीट की। सूरतगढ़ विधानसभा सीट में कितना काम हुआ है? राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से एक सीट है सूरतगढ़ विधानसभा सीट, और कैसे इस पर काम हुआ है, और हम आपको जानकारी देंगे कि कितना जो विधायक है सूरतगढ़ से वो कितना अपने कामों में खरे उतर पाए हैं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात कर रहे हैं श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ विधानसभा सीट के विधायक राम प्रताप कासनिया के 5 साल के कार्यकाल की। श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। साल 2008 में कांग्रेस के गंगाजल मील विधायक चुने गए थे। इससे पहले 2003 में बीजेपी के अशोक नागपाल ने जीत का परचम लहराया था। साल 1998 में कांग्रेस की लक्ष्मी बिश्नोई ने जीत दर्ज कराई थी। इससे पहले 1993 में बीजेपी के अमरचंद मिड्डा ने चुनाव जीता था। सूरतगढ़ सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां एससी के 70,000 वोट, जाट समाज के 60,000 वोटर, कुम्हार समाज के 30,000 वोटर, मुस्लिम समाज के 20,000 वोटर हैं। इसके अलावा स्वामी समाज के 20,000 वोटर, ब्राह्मण समाज के 18,000 वोटर, विश्नोई समाज के 12,000 वोटर हैं। विधानसभा क्षेत्र में सिख समाज के 12,000 वोटर, अरोड़ा समाज के 8,000 वोटर हैं। विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई का पानी और फसल खराबा, कानून व्यवस्था, नशे का कारोबार, एटा सिंगरार माइनर का अधूरा काम स्थानीय मुद्दे हैं। पूर्व मंत्री और 4 बार विधायक रहे बीजेपी नेता राम प्रताप कासनिया अपने 5 साल के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्य करवाने का दावा करते हैं। राम प्रताप कासनिया का कहना है कि उन्होंने अपने कोटे से शहर में इंदिरा सर्कल पर करीब 30 करोड़ की लागत से ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ फोरलेन सड़क मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज बनवाया। भारतमाला सड़क परियोजना में कालूसर के पास केंद्र सरकार से 62 करोड़ रुपए की लागत से कट पॉइंट तैयार करवाया। रेलवे स्टेशन पर अमृत स्टेशन योजना के तहत करीब 20 करोड़ की लागत से काम करवाया और इसके अलावा 19 करोड़ की लागत के कई विकास के काम कराए। विधायक का कहना है कि उन्होंने गांवों में सड़कों, स्वास्थ्य केंद्रों सहित कई निर्माण कार्य करवाए हैं। हालांकि कासनिया इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य में उनकी सरकार नहीं रहने से वे बहुत से काम नहीं करवा पाए, फिर भी उन्होंने कांग्रेस के विधायकों के बराबर ही काम करवाए हैं। कार्य तो बहुत करवाए हैं, मैं कोई कांग्रेस का विधायक है उससे पीछे नहीं, बराबर रहा हूं हर मामले में। पक्की सड़क बनाने की बात हो, कम से कम 14-15 रोड बनाई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और मेरे कोष मतलब विधायकों को जो दी है रोड भी 33 करोड़ रुपए की बना सकते हैं, उसके अनुसार मेरी रोड बनी है। इसके अलावा इंदिरा सर्किल पर फ्लाई ओवर जो है ये बहुत बड़ी लागत है इसकी, करोड़ों में है, इसका निर्माण करवाया। रेलवे स्टेशन का आधुनिकरण हो रहा है केंद्र सरकार के बजट से। अंडर ब्रिज और ब्रिज दुनिया भर के बने, मेरे क्षेत्र में कोई वंचित है ही नहीं, एक आधा छोड़ के बाकी सब हो गए, 90% रास्तों पर अंडर ब्रिज बन गए। इसके अलावा ठेठार और सरदारपुरा के बीच में गग्गर नदी पर एक पुल बनाया है जो 7-7.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और भी अनेक कार्य है, स्कूल भी खुलाए हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलवाए हैं, पीएचसी 1-2 खुलवाई है,
ये कार्य तो इस तरह के जो सार्वजनिक धंधे है वो तो खूब करवाए हैं मैंने, अभी उद्घाटन भी नहीं हो रहे हैं, इतने काम पेंडिंग पड़े हैं। कुल मिलाकर बहुत बढ़िया, मैं अपने आप में मेरे कार्य से संतुष्ट हूँ। लोग हो नहीं हो, अफवाह विरोधी लोग हैं, उनका काम है अफवाह फैलाना। अब वो एक शब्द हमेशा कहते हैं चलती नहीं, मैंने कहा मेरी तो पूरी चलती है सही मामले में, तो हर मामले में सही में तो चलती है, और कोई काम ही खोटा हो वो बात अलग है। और मेरे खिलाफ कोई ना भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं, ना कोई चोरी का, ना जारी का आरोप लगाए क्या मेरे खिलाफ, यह है बीमारी। विधायक राम प्रताप कासनिया के 5 साल के कार्यकाल को लेकर जब हमने जनता से बात की तो जनता की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई। अनेक लोगों ने बीजेपी विधायक के कार्यकाल को संतोषजनक बताते हुए कहा कि विधायक राम प्रताप कासनिया द्वारा क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवाए गए हैं। लोगों का यह भी कहना है कि विधानसभा में जिला बनाने की मांग सहित जनता से जुड़े अनेक मुद्दों को उठाया। हालांकि लोगों ने यह भी माना कि भाजपा की सरकार नहीं होने से विधायक कासनिया को सरकार का सहयोग नहीं मिला, जिससे कि विधायक चाहकर भी अनेक काम नहीं करवा पाए। राम प्रताप जी कासनिया का 5 साल का कार्यकाल है वो बहुत ही सम्मान पूर्वक रहा है। उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करवाए हैं, विधानसभा विधायक होते जी जो भी कार्य थे वो भी हमारे क्षेत्र में अच्छे किए हैं। विधायक श्री राम प्रताप जी कासनिया का कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा और आम पब्लिक के मुद्दों को उन्होंने विधानसभा में अच्छी तरीके से उठाया और उन्हें पूरा करवाया, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी उन्होंने लागू करवाया, और शहर में अच्छे विकास जैसे और भी वगैरह अच्छे कार्य करवाए उन्होंने अपने कार्यकाल में। सरकार ना होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करवाया और शहरी क्षेत्र में भी कार्य करवाया। अगर डबल इंजन की सरकार होती तो बहुत अच्छा होता। कोटपूर्वा जिले की मांग भी उन्होंने विधानसभा में कई बार रखी। अगर डबल इंजन की सरकार बन जाए तो आगामी 5 सालों में हमारे राजस्थान के साथ साथ सूरतगढ़ का बहुत अच्छा विकास होगा, ऐसे मेरे को संभावित लगता है। कासनिया जी के कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं? कासनिया जी का कार्यकाल संतुष्ट पड़ जाए, क्योंकि सरकार न होने की वजह से वो खुल के काम नहीं कर सकते। देखते हैं क्या काम तक भी अभी तक कराया नहीं है, कोई भी काम ना वाटर रोस्ट का कराया, पानी अभी भी गंदा आ रहा है। जैसे मीटिंग कितनी गुड़ाइसरी करे गए जैसे कि अभी आज बात है पानी की समस्या साड़ी अभी भी काम चल रही है, तो गंदा पानी आ रहा है, वाटर रोस्ट की कुछ सुनाई नहीं हो रही। तो वाटर रोस्ट साड़े कहते हैं पीछे पैप खराब है जी, वो खराब है जी, पानी की तंगी है। हम इनके पास गए मील साहब के पास, मील साहब ने कहा कि उनको गुड़ाइस के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, हम क्या करें, किस किस के पास जाएंगे। गढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो आम जनता है उस पर राम प्रताप जी कासनिया का प्रभाव नाम मात्र का है, और जब भी उनसे विकास कार्यों के लिए ग्रामीण जन आकर के बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मेरी तो ऊपर सरकार नहीं है इसलिए मैं विकास कार्य कहाँ से करूँ, मेरी चलती नहीं है, वैसा वैसा बोलते हैं। इसलिए राम प्रताप जी कासनिया जो है इस विधानसभा क्षेत्र के लायक। राम प्रताप कासनिया जी अच्छे इलाके के लोगों ने वोट दिए, परंतु 5 साल के अंदर एक डक्के का उन्होंने काम नहीं किया। क्षेत्र के लोग उनके पास काम के लिए जाते थे तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी चलते नहीं है, कांग्रेस का राज है, और मेरा चपड़ासी नहीं मानता। तो मेरा मानना है कि क्षेत्र के अंदर हमारे जब क्षेत्र में गए हैं, गाँव गाँव गए हैं, ढाणी ढाणी गए हैं, तो विधायक राम प्रताप कासनिया जी का एक भी काम है वो क्षेत्र में नहीं बोला गया है। मैं तो मानता हूँ कि विधायक राम प्रताप कासनिया जी का क्षेत्र में 0% है। राम प्रताप कासनिया जी से देख रहे हैं बोले की भाषा की, तो वो तो एक ही रट है कि ठीक है मैं तो विरोध में हूँ, मेरे पास है नहीं, मेरे को कर नहीं सकता। तो लोगों को इतना वो कोई लोगों में जैसे पीड़ा से आगे सूटगढ़ में इतना लोगों को वो मन नहीं जीत पाए, इतना उनका लोगों में काम के प्रति कहते हैं तो काम के प्रति भाई मेरी तो चलती नहीं है, क्या करूँ, मेरी तो राज नहीं है जो है। विकास कार्यों के दावे कर रहे हैं विधायक राम प्रताप कासनिया, जो MLA कोटे का पैसा है वो तो उन्होंने दिया ही है, वो तो जिस जिस तरह से जहाँ है वो किसी से कार्य करता है पैसा वही है विकास में, तो वो जो हर MLA को मिलता है। 5 साल के कार्यकाल का तो वैसे तो सभी को पता है, जो ने कहा भी मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं है,
जो भी लोग इनके पास पहुंचे पीड़ित लोग उनसे यही बात कही। अब पिछले 200 दिनों से जो जिले के अंदर जिला का आंदोलन चल रहा है सुरसगढ़ के अंदर, उस आंदोलन के अंदर इनकी जो राजनीतिक ताकत है जो राजस्थान की विधानसभा में ये बैठती है उसके अंदर इन्होंने पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया। इसके कारण ही आज सुरसगढ़ के अंदर हम लोग सारे इस बात से दुखी हैं कि 3 जिले घोषित होने के बावजूद भी, नए जिले कल ही घोषित हुए उसके बावजूद हमारा नाम नहीं आया, 22 जिले घोषित हो गए लेकिन सुरसगढ़ का नाम नहीं आना। मैं ये समझता हूँ ये राजनीतिक कमजोरी है हमारे विधायक साहब की कि वो सूरतगढ़ को जिला बनाने के अंदर एकदम नाकाम सिद्ध हुए। विधायक कासनिया जी विफल रहे हैं 5 साल के अंदर, कोई भी काम करवाने के लिए गया है तो उनको यही जवाब मिला है कि मेरी चालक होनी। इसके अलावा विधायक महोदय से कोई भी नाकाम मिला है, ये 2 शब्द ही मिले हैं। और जिला ना बनने के कारण सबसे बड़ा कारण विधायक महोदय और दूसरे हमारे यहाँ से मंत्री हैं डूंगर राम जी, जिनको गहलोत साहब का खास बताया जाता है, और फिर भी अपना सूरतगढ़ जिला बनने में पिछड़ गया तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और डूंगर राम जी और विधायक महोदय सबसे बड़े कारण हैं। सूरतगढ़ के जो विधायक हैं इन्होंने पिछले 5 साल में कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो जनता को संतुष्ट कर सके, क्योंकि हर बार एक ही शब्द होता है कि मेरी तो चाल है कोनी। इसलिए आज शहर की जनता त्राई त्राई कर रही है और सूरतगढ़ जो जिला बढ़ने से पिछड़ा है इसका मुख्य कारण हमारे विधायक और जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता हैं। वहीं विधायक राम प्रताप कासनिया के कार्यकाल को लेकर बड़ी संख्या में लोग नाराज भी नजर आए। लोगों का कहना है कि विधायक राम प्रताप कासनिया के पास जब भी लोग किसी काम के लिए पहुंचे तो उन्होंने सरकार नहीं होने का बहाना बना दिया, प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता, यह कहकर विधायक ने जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने विधायक राम प्रताप कासनिया पर जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर नहीं आने का आरोप भी लगाया। कुल मिलाकर विधायक राम प्रताप कासनिया से सूरतगढ़ की जनता बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। सरकार नहीं होने के विधायक राम प्रताप कासनिया के बहाने से जनता इत्तेफाक नहीं रखती है। राजेंद्र जैन, इंडिया न्यूज, सूरतगढ़। तो ये आपने सूरतगढ़ विधानसभा सीट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट देखी। अब इंडिया न्यूज के सर्वे के आधार पर विधायक जी के 5 साल के कामकाज का मूल्यांकन का आप करते हैं कि क्या काम किया और किस तरह से फीडबैक जनता दे रही है। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? जब जनता से ये सवाल किया गया तो हाँ कहने वाले लोग थे 46.26%, नहीं कहने वाले लोग थे 52.26%, पता नहीं कैसे या फिर कह नहीं सकते ये कहने वाले लोग थे 1.48%, महायोग बनता है 100%। तो किस तरह से जनता जो है वो विधायक के कामकाज का फीडबैक देती हुई नजर आई ये हमने आपको बताया। और जब दूसरा सवाल किया गया वो कौन सा सवाल था वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि जब दूसरा सवाल किया गया विधायक के कामकाज को लेकर, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे, तो हाँ कहने वाले लोग थे 44.83%, नहीं कहने वाले लोग थे 50.25%, पता नहीं या फिर कह नहीं सकते ये कहने वाले लोग थे 4.93%, महायोग जो बन रहा है वो 100% बन रहा है। तो क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे, जब ये जनता से सवाल किया गया तो जवाब जो आया है कितने परसेंटेज लोग जो है वो हाँ कहते हुए नजर आए 44.38%, और नहीं कहने वाले लोग थे 50.25%। तो क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? और अब चलिए बात तीसरे सवाल की। अगर आपको विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो आप उसी पार्टी को वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोग थे 62.07%, नहीं कहने वाले लोग थे 18.72%, पता नहीं या फिर कह नहीं सकते ये कहने वाले लोग थे 19.21%, महायोग जो है वो 100%। तो अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट देंगे, ये सवाल जब जनता से किया गया तो हाँ कहने वाले लोग बड़ी संख्या में थे 62.07%। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे, जब जनता से ये सवाल किया गया तो जब पहला
सवाल पूछा गया, जिसमें ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर की जब बात की गई तो जनता की तरफ से कहा गया 36.45%, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर जब जिक्र किया गया तो जनता की तरफ से कहा गया 10.84%, स्थानीय विधायक के कामकाज का जब जिक्र हुआ तो 32.51%, पार्टी के आधार का जब जिक्र हुआ तो 17.24% लोगों ने कहा। इनमें से कोई नहीं या फिर कह नहीं सकते 2.96%, महायोग जो बन रहा है वो 100%। क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? हाँ कहने वाले लोग थे 67.49%, नहीं कहने वाले लोग थे 24.14%, पता नहीं या फिर कह नहीं सकते ये कहने वाले लोग थे 8.37%, महायोग जो है वो 100% का है। तो क्या विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा? जब ये सवाल जनता से किया गया तो हाँ जिन लोगों ने कहा वो थे 67.49%, नहीं कहने वाले लोग थे 24.14%, कह नहीं सकते कहने वाले लोग थे 8.37%। और अब बारी है सूरतगढ़ के विधायक राम प्रताप कासनिया के कामकाज को लेकर उनके रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एमएलए राम प्रताप कासनिया अपने 5 साल के कार्यकाल में फेल रहे हैं। तो राम प्रताप कासनिया जो हैं वो अपने 5 साल के कार्यकाल में उनसे जुड़े जो तमाम सवाल, चाहे विकास से जुड़े हों, विधायक को लोग कितना पसंद करते हैं, कामकाज को कितना पसंद करते हैं, जब ये तमाम सवाल किए गए तो विधायक जी जो है वो अपने कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में फेल साबित हुए हैं। जो परसेंटेज निकल कर आया है उसमें राम प्रसाद कासनिया जो है वो फेल साबित हुए हैं। तो सूरतगढ़ विधानसभा सीट का आज हम जिक्र कर रहे थे। 200 सीटों में से एक सूरतगढ़ सीट भी है जिससे एमएलए है राम प्रताप कासनिया का, ये रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखा रहे थे। हमारे खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हम किसी नई विधानसभा सीट और वहां के विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। नमस्कार।